कयास लगाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली गए हैं तो वो तैयारी करेंगे ही या लोगों से मिलेंगे ही, नेता को एक जगह लाएंगे ही। नमस्कार, देश न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर से अटल प्रेम झलका है। 5 वर्षों में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए समाधि स्थल सदैव अटल पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसे लेकर अब माहौल गर्म हो गया है। तमाम तरह की खबरें आ रही है। इन सब के बीच जेडीयू की ओर से मंत्री मदन सैनी ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। गए हैं तो इसमें कहाँ कोई संदेह है कि कैश लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार वो गठबंधन में जो विपक्षी एकता के लिए वो काम कर रहे हैं, सबको एक जगह ला रहे हैं और उसी का फल है कि आज इंडिया गठबंधन बना है। और पटना में भी बैठक हुआ, दूसरा बैठक, अब तीसरा बैठक होने जा रहा है। ये तो लगातार बैठक का दौर चल रहा है, तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी और उस तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसमें कयास लगाने की तो कोई आवश्यकता नहीं। यह तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली गए हैं तो वो तैयारी करेंगे ही या लोगों से मिलेंगे ही, नेता को एक जगह लाएंगे ही। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब बैठ करके तय करेंगे और इसके लिए कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बात तो सत्य है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से संविधान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है और वो अपने शर्त पर काम कर रही है। और देश के जनता को इसी बात पर आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना भरोसा दिलाया उस भरोसा पर वो खरा नहीं उतरे हैं। और देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे असफल प्रधानमंत्री के रूप में इस प्रधानमंत्री को गिना जाएगा, ये आने वाला समय में लोग बोलेंगे। मदन सैनी का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने गए हैं, वहां उनकी मुलाकात गठबंधन के नेताओं से होगी और रणनीति बनाई जाएगी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल इस दौरे को लेकर सियासी पारा चरम पर है, तो वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली से बिहार लौट रहे हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।